क्या आप जानते हैं ऐसे महान गुरु के बारे में जो कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ और पृष्ठ मार्ग के प्रणेता थे? तो आज हम आपको इन महान गुरु की कहानी को विस्तार से बताएंगे। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। गुरु वल्लभाचार्य का जन्म सन 1479 में वैशाख एकादशी के दिन छत्तीसगढ़ में हुआ था, जब मुस्लिम आक्रमण के भय से उनके माता पिता दक्षिण भारत जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका जन्म हुआ। जब मुस्लिम आक्रमण के भय से उनके माता पिता लक्ष्मण भट्ट और माता इल्लमा गारू दक्षिण भारत जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका जन्म हुआ। कहा जाता है कि वल्लभाचार्य ने अपना दर्शन खुद गढ़ा था, लेकिन उसके मूल सूत्र वेदांत में ही निहित है। आचार्य वल्लभ की हर कृति लोक हितार्थ और सत्प्रवृत्ति संवर्धनार्थ निमित हुई है। समादृष्टिगत चेतना का अवतरण जिस स्थूल तनधारी में होता है, तो वह सामान्य न रहकर भगवत स्वरूप ही हो जाता है। उसी श्रेणी में आचार्य वल्लभाचार्य का स्वरूप आता है। वल्लभाचार्य की पत्नी का नाम महालक्ष्मी था। गोपीनाथ और श्री विट्ठलनाथ उनके दो पुत्र थे। रुद्र संप्रदाय के विल्ल मंगलाचार्य जी द्वारा इन्हें अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा दी गई थी और त्रिदंड संन्यास की दीक्षा स्वामी नारायणेन्द्र तीर्थ से प्राप्त हुई। वल्लभाचार्य के 44 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख हैं सूरदास, कृष्णादास, कुंभन दास और परमानंद दास। क्या आप जानते हैं गुरु वल्लभाचार्य को सूरदास का मिलन कैसे हुआ था? वल्लभाचार्य जब आगरा मथुरा रोड पर यमुना के किनारे वृंदावन की ओर आ रहे थे, तभी उन्हें एक अंधा दिखाई पड़ा जो बिलख रहा था। वल्लभाचार्य ने कहा, तुम रिरिया क्यों रहे हो? कृष्ण लीला का गायन क्यों नहीं करते? सूरदास ने कहा, मैं अंधा, मैं क्या जानू लीला क्या होती है। तब वल्लभ ने सूरदास के माथे पर हाथ रखा। विवरण मिलता है कि 5000 वर्ष पूर्व के ब्रज में चली श्री कृष्ण की सभी लीला कथाएं सूरदास की बंद आंखों के आकाश पर तैर गई। तब वल्लभाचार्य उन्हें वृंदावन ले आए और श्रीनाथ मंदिर में होने वाली आरती के क्षणों में हर दिन एक नया पद रचकर गाने का सुझाव दिया। इन्हीं सूरदास के हजारों पद सूर सागर में संग्रहित हैं। इन्हीं पदों का गायन आज भी धरती के कोने कोने में, जहां कहीं श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम पुरुष मानने वाले रह रहे हैं, एक निर्मल काव्य धारा की तरह बह रही है।